आप ये फिश के टेक्सचर से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये फिश एकदम परफेक्ट कुक हो गया है। ये फिश करी रोटी के साथ अच्छी लगती ही है, लेकिन राइस के साथ और भी ज्यादा बढ़िया लगती है। ये हमारी केरला स्टाइल ऑथेंटिक फिश करी रेडी है। ये फिश करी की एक और खास बात है, ये जितनी ज्यादा पुरानी हो जाएगी उतनी वो ज्यादा टेस्टी बन जाती है। इसका मतलब है आपने फिश करी को आज बनाया है तो वो आज से ज्यादा कल परसों और ज्यादा स्वादिष्ट और टेस्टी लगेगी। इसलिए बनाने के लिए आसान लेकिन खाने के लिए बहुत ही बढ़िया ऐसी ये केरला फिश करी आप जरूर बनाकर देखिए। और अगर आपने अश्विनी किचन को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। आप अश्विनी किचन को फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे एक बड़ा गोल्डन पॉम्फ्रेट मैंने लिया है, उसको अंदर से साफ करके अच्छे से वॉश करके लिया है, और ये पॉम्फ्रेट के ऐसे पीसेस भी मैंने करके लिए हैं। अब इन सब पीसेस को हम मैरिनेट करके लेते हैं। यहाँ कनाडा में मुझे ये पॉम्फ्रेट $8 को मिला, यानी इंडियन रुपीज में इसकी प्राइस 480 रुपीज हो जाएगी। इन सब पॉम्फ्रेट के पीसेस को हम ये बाउल में निकाल देते हैं। अब इसमें हम 1 चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच नमक डाल देते हैं, ऊपर से ये हाफ नींबू का रस। अब ये सब चीजें हम पॉम्पलेट के इन सभी पीसेस को अच्छे से लगा के लेते हैं। ये देखिए, पॉम्पलेट की इन सभी पीसेस को हमने हल्दी पाउडर, नमक और नींबू का रस अच्छे से लगा के लिया है। अब इन सभी फिश के पीसेस को हम 15-20 मिनट के लिए मैरिनेशन के लिए रख देते हैं। यहाँ पे ये कदम पुली को मैंने लिया है, इसको मालाबार टैमरिन ऐसा भी कहते हैं, और ये केरल स्टाइल फिश करी में ये एक मेन इंग्रेडिएंट है, और ये आपको बाजार में कहीं भी मिल जाएगा। अगर ये मुझे कनाडा में मिल सकता है तो आपको ये बाजार में पक्का मिल जाएगा, लेकिन अगर आपको ये नहीं मिला तो परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कदम पुली के जगह पे आप इमली का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब ये कदम पुली में हम ये गरम पानी डाल देते हैं, और गरम पानी ही डालना है, उससे ये कदम पुली जल्दी सोख होने में मदद होती है। ये कदम पुली में हमने गरम पानी डाल के लिया है, अब इसको एक 15-20 मिनट के लिए सोख होने देते हैं। यहाँ पे ये बाउल में सबसे पहले ये कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर, ये लाल मिर्ची पाउडर, ये धनिया जीरा पाउडर डाल देते हैं। फिर इसमें डाल देंगे ये थोड़ा सा पानी, और इसकी अच्छे से पेस्ट बना के लेते हैं, अच्छे से मिक्स करके लेते हैं। हमें इन मसालों की पेस्ट बना के लेनी है, क्योंकि जब हम मसाले फ्राई करेंगे तो ये मसाले बिल्कुल भी जलेंगे नहीं, और हमारी ये फिश करी को एकदम बढ़िया लाल कलर भी आ जाएगा। ये हमारी मसाला पेस्ट भी रेडी है, गैस चालू कर देते हैं। यहाँ पे ये कोकोनट ऑयल मैंने लिया है, अब उसको हम ये पैन में डाल देते हैं। यहाँ पे हम ये केरला स्टाइल फिश करी बना रहे हैं, इसी वजह से हमने इसमें ये कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास ये कोकोनट ऑयल नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप आपके कुकिंग के लिए जो भी ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी ऑयल आप ये फिश करी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। गैस हमने मीडियम फ्लेम पे रखा है। यहाँ पे ये कोकोनट ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है। अब ये ऑयल में हम सबसे पहले डाल देते हैं ये फेनुग्रीक सीड्स यानी मेथी दाना। अब ये 1 चम्मच मस्टर्ड सीड्स यानी राई। अब इसमें जाएगा ये क्रश किया हुआ अदरक और ये क्रश किया हुआ लहसुन, ये करी लीव्स, इनको भी हम इसमें डाल देते हैं। अब इन सब चीजों को हम ऑयल में 1-2 मिनट अच्छे से फ्राई करके लेंगे। यहाँ पे ये अदरक लहसुन को हमने ऑयल में अच्छे से फ्राई करके लिया है। यहाँ पे लगभग 5-6 शैलॉट्स को मैंने बड़े बड़े साइज में ही कट करके लिया है, उनको भी हम ये ऑयल में डाल देते हैं। ये शैलॉट्स आपको बाजार में कहीं भी मिल सकते हैं। अगर आपके पास शैलॉट्स नहीं है तो आप घर में जो रेगुलर ऑनियन यूज करते हैं कुकिंग के लिए वो यूज किया तो भी चलेगा।
यहाँ पे ये 5 हरी मिर्च, इनको हाफ पीसेस में कट करके लिया है। अब इन शैलॉट्स को हल्का सा गोल्डन कलर आने तक हमें ऑयल में अच्छे से फ्राई करके लेना है। ये शैलॉट्स रेगुलर अनियन से दिखने में बहुत ही छोटे रहते हैं, लेकिन टेस्ट में उनसे भी स्वीट रहते हैं। इन शैलॉट्स की अपनी खुद की अलग टेस्ट रहती है। ये देखिए, ये शैलॉट्स को मतलब अनियन को हल्का सा गोल्डन कलर आना चालू हो गया है। अब इसमें हमने जो मसालों की पेस्ट बना के ली है वो डाल देते हैं। अब इन मसालों की पेस्ट को हम ऑयल में अच्छे से फ्राई करके लेंगे। हमने इन मसालों में पानी डालकर उनकी पेस्ट बना के ली थी, इसकी वजह से देखिए ये मसाले बिल्कुल भी नहीं जल रहे हैं और अच्छे से ऑयल में फ्राई भी हो रहे हैं। ये देखिए, इन मसालों की पेस्ट ने ऑयल छोड़ना चालू कर दिया है, इसका मतलब है हमारे ये मसाले ऑयल में अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब इसमें ये सोक किए हुए कदम पुली और उसका पानी हम डाल देते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है, आपके पास अगर ये कदम पुली नहीं है तो आप इसके जगह पे इमली यानी टैमरिन को पानी में सोक करके उसका पानी भी यूज कर सकते हैं। अब इन मसालों के साथ ये पानी को हम अच्छे से मिक्स करके लेते हैं। ये मसाले के बाउल में मैंने 1.5 कप गर्म पानी डाल दिया है, अब उसको भी हम इसमें डाल देते हैं, अच्छे से मिक्स करके लेते हैं। आपको ये फिश करी गाढ़ी पतली जैसी चाहिए, उस हिसाब से आप पानी की कंसिस्टेंसी कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखिए, पानी को उबाल आना चालू हो गया है और कलर भी कितना बढ़िया आ गया है। अब हम इसमें मैरिनेट किए हुए पॉम्फ्रेट के पीसेस डाल देते हैं। एक एक करके हमने ये पॉम्फ्रेट के सभी पीसेस इस करी में डाल दिए हैं। अब जो भी फिश के पीसेस ऊपर नजर आ रहे हैं, उन सभी पीसेस को ये स्पून को धीरे से चलाते हुए ये करी में डिप करके लेते हैं। उससे क्या होगा, ये फिश अच्छे से कुक भी हो जाएगा और उनका एकदम बढ़िया स्वाद ये करी में भी आ जाएगा। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिए, ये स्पून को ज्यादा बिल्कुल भी मत हिलाइए, वरना ये फिश के पीसेस टूटने के चांसेस रहते हैं। ये देखिए, ये फिश करी को अच्छे से उबाल आना चालू हो गया है। अब इसमें हम ये थोड़ा सा नमक डाल देते हैं। हमने फिश को मैरिनेट करते टाइम भी नमक डाल दिया था, तो उसी हिसाब से आप इसमें नमक डाल दीजिए। ऊपर से ये फिश करी में ये करी लीव्स के पत्ते डाल देते हैं, उससे ये करी लीव्स का एकदम बढ़िया फ्लेवर ये फिश करी में आ जाएगा। गैस की फ्लेम लो कर देते हैं। अब ढक्कन रखकर ये फिश करी को 6-7 मिनट के लिए कुक होने देते हैं। 6-7 मिनट हो गए हैं, अब हम देखते हैं। ये देखिए, ये पॉम्फ्रेट के सभी पीसेस अच्छे से कुक हो गए हैं। एकदम बढ़िया सी खुशबू ये करी में से आ रही है। हमेशा एक चीज का ध्यान रखिए, फिश को 6-7 मिनट से ज्यादा बिल्कुल भी कुक मत कीजिए, वरना फिश के सारे बोन्स फिश से अलग होने लगते हैं और वही बोन्स यानी कांटे करी में उतर जाते हैं। ऊपर से ये बारीक कटा हुआ धनिया हम डाल देते हैं। अब गैस बंद कर देते हैं और ये फिश करी को बाउल में निकाल देते हैं। आप ये फिश के टेक्सचर से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये फिश एकदम परफेक्ट कुक हो गया है। ये फिश करी रोटी के साथ अच्छी लगती ही है, लेकिन राइस के साथ और भी ज्यादा बढ़िया लगती है। ये हमारी केरला स्टाइल ऑथेंटिक फिश करी रेडी है। ये फिश करी की एक और खास बात है, ये जितनी ज्यादा पुरानी हो जाएगी उतनी वो ज्यादा टेस्टी बन जाती है। इसका मतलब है आपने फिश करी को आज बनाया है तो वो आज से ज्यादा कल परसों और ज्यादा स्वादिष्ट और टेस्टी लगेगी। इसलिए बनाने के लिए आसान लेकिन खाने के लिए बहुत ही बढ़िया ये केरला पॉम्फ्रेट फिश करी जरूर ट्राई करके देखिए।